फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लहरें। थैंक यू। बहुत दिन के बाद आप अपने फैंस से रूबरू हो गए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कहाँ थे? मैं इतने दिन घूम रही थी। नहीं, मैं यहीं पर थी, बहुत सारा काम कर रही थी, विच वॉज बिहाइंड द कैमरा फॉर्चुनेटली, बिकॉज इट इज़ एक्साइटिंग। एंड हाँ, टीवी पे मेरा मैं वापस आई हूँ एंड विथ अ शो जिसकी ऑलरेडी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये सीज़न 2 है। और इसकी एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं पिछले 10 साल से कलर्स में नज़र आ रही हूँ और फिर से आऊँगी। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझसे बोर हो जाए, तो मुझे अपना 1000% ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि लोगों को कुछ अलग दिखे, कुछ नया दिखे, नहीं तो वो लोग नहीं देखेंगे मुझे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ चैलेंजिंग, बट कहीं पे भी नर्वसनेस या प्रेशर नहीं है क्योंकि जो सपोर्ट मिलता आ रहा है ऑडियंस से इज़ अनबिलीवेबल। तो कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, सब मस्त होने वाला है। अच्छा, वीरपुर की मर्दानी जो है फर्स्ट भी देखा, तो इस बार रिस्पांसिबिलिटी आपने जैसे कि सच में बहुत ज़्यादा है, तैयारियां भी है क्योंकि इसमें हरियाणवी है और एक मर्द वाला एक ये भी है कि आपको अपना डालना है, क्या कुछ? नो, हरियाणवी जो है वो उससे कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि इस सीज़न में जो अम्मा जी है वो दिखाया है कि उन्होंने अपनी पोतियों को उनके पैदा होने से पहले ही वो लोग यहाँ पे दिल्ली में आ गए हैं ताकि उनकी जो पोतियाँ हैं वो ना देखें कि उनकी पास्ट क्या है। तो हमें पता ही नहीं कि अम्मा जी ने लाइफ में क्या किया है, तो हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में। हमें सिर्फ पता है हमारी दादी है, सीधी सादी है, दैट्स इट। तो वो जो पास्ट हमें नहीं पता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा। जब हमें पता चलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, और जब नहीं पता चलेगा और फिर हमारे साथ ऐसी चीज़ें होंगी जो अम्मा जी ने जो किया उसकी वजह से उनका कर्मा है, तब भी हमें बहुत ज़्यादा शॉक लगने वाला है। सो देयर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, और देखने में बहुत मज़ा आएगा लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी बिल्ड करने वाली चीज़ें हैं इस स्टोरी में। एंड आई होप लोगों को बहुत मज़ा आए। न्यूज़ आप भी देखती हो, न्यूज़ मैं भी देखती हूँ, एंड इट इज़ शेमफुल, इट इज़ हर्टफुल, इट इज़ वेरी पेनफुल टू सी समथिंग सो बैड हैपनिंग अराउंड अस, यू नो। एंड हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम मैक्सिमम, मैं एज अ पर्सन क्या करूँगी, ऐसे शोज़ करूँगी ताकि लोगों को पता चले गलत हो रहा है, ऐसे इंटरव्यूज़ दूँगी जिसमें लोगों को पता चले कि हाँ मैं अवेयर हूँ कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, लेकिन ये गलत है। इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँगी, बट लोगों को ही करना है जो करना है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स हाई टाइम लोग अब समझें, एंड इट्स हाई टाइम फॉर द गर्ल्स टू नाउ गेट अप एंड टेक स्टैंड फॉर देम सेल्व्स, बिकॉज अनुष्का पूरे सीन्स में हर बार यही कहती है कि बोलो ना कुछ, चुप बैठ के कुछ नहीं होने वाला, करो कुछ, क्योंकि ये लॉयर ऐसे पता है राइट्स क्या है, यू नो। तो दैट्स व्हाट द मैसेज इज़ कि नाउ इट्स हाई टाइम, गर्ल्स नीड टू स्टैंड अप। वो विक्टिम है, फेयर इनफ, लेकिन वो वीक नहीं है। तो यही मैसेज हम देना चाहते हैं, इसलिए वीरपुर की मर्दानी है। एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये शो देखो और आपको पता चले हम क्यों ये बात बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे अम्मा जी ने जो प्रोमो में भी ये लाइन यूज़ की है, जो बोया है वही काट रही है अम्मा जी, विच इज़ सैड। लेकिन ऐसा क्यों है, कैसे है, वही तो आपको देखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय पलक, वेलकम टू लहरें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपका कैरेक्टर है बिल्कुल ही न्यू है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वीरपुर की मर्दानी, लाडो वीरपुर की मर्दानी। मेरे कैरेक्टर का नाम जाह्नवी है और मैं छोटी पोती हूँ अम्मा जी की, तो ऑब्वियसली मैं लाडली हूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मेरी बहन मुझे जानू 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 बुलाती रहती है, तो इससे पता चलता है कितना प्यार है हम सब में। एंड आई एम वेरी प्रोटेक्टेड child, and she since Amma Ji has seen the world, his experience has done a lot of things, so she is all the more very particular about hum kahan hai, kya kar rahe hain, kaise hain, to hai cheeze ऐसे। अच्छा, कॉन्सेप्ट है मर्दानी वाला, तो लाइक क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये तो हम देखते ही आए हैं, फर्स्ट वाला भी हमने देखा था, बट ये जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट अभी हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? इट्स अबाउट वीरपुर की मर्दानी, इट्स लाइक मर्द इन वीरपुर, तो वो कैसे हैं, क्या है, कैसे वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, सो इट्स बेसिकली शोइंग रियलिटी, इंडिया में क्या हो रहा है एंड ऑल दैट थिंग्स। आई थिंक वो लाइक आई सेड कि पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है, आने वाले फ्यूचर में और भी कम होगा, तो ऐसे शोज़ के थ्रू ही हम ये बता पाएंगे। अच्छा, सेट में जब आप और अविका रहते हो थोड़ी मस्ती मजाक होती होगी ऑब्वियसली, तो किस तरह की मस्ती मजाक करते हो आप? थोड़ी नहीं, इनफैक्ट बहुत ही होती है। एंड द मोस्ट फनी थिंग इज़ दैट आई कॉल हर दीदी इन द शो, विच इज़ वेरी वियर्ड फॉर मी बिकॉज आई एम लाइक 3-4 years or 4, I don't know her age, but I'm elder to her already, so it becomes little difficult for me, but ठीक है, it's like same field, same things, तो बातें काफ़ी है बात करने के लिए भी, तो बड़ा cool सा है relation भी। अच्छा, अम्मा जी भी हैं, तो मतलब उनका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट रियल लाइफ में उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, बट आप दोनों के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है? अरे वो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं यार, मतलब वो ऐसा लगता नहीं कि वो अम्मा जी हैं, पर बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, और द वे शी हैज़ बीन पोर्ट्रेइंग अम्मा जी, आई थिंक नहीं कर पाता कोई और, सो वी लुक अप टू हर ऑल्सो, कि वो कितने अच्छे से हरियाणवी बोलती हैं, करती हैं, और वो कैरेक्टर के स्केल में इतना घुस चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, जैसे कि लाडो में हमने जितने भी केसेस देखे हैं, सॉरी केसेस बोल रही हूँ मैं, मतलब जितने कुछ भी होते हैं या लड़कों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो ऐसा कुछ रियल लाइफ में आपने फेस किया है या फिर आजू बाजू कुछ आपको याद है? ये ईव टीजिंग तो काफ़ी है या ना, ऑब्वियसली एवरी सेकेंड गर्ल एक्सपीरियंसेस इट, एंड लोग कुछ भी बोल के चले जाते इवन इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, बट दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई लर्न फ्रॉम दिस शो। मैं तब चुप थी, अब फिर से कोई करेगा आई डोंट थिंक सो, मैं चुप रहूँगी। Hi, this is Palak Jain, and I would like to congratulate Lehren for completing 30 years.